Good morning, students. Today is your SST class, and I will teach you chapter number 5 today, the Great Indian Plateau. Okay, so in this chapter, you are going to learn and you are going to understand about the Great Indian Plateau. Okay, the Plateau region of India is older than Himalaya. जो Plateau region है इंडिया का वो हिमालय यानी जो हिमालयाज हैं माउंटेन्स हैं उनसे भी बहुत पुराना है. ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है, ठीक है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स की साउथ में लोकेट करता है, ठीक. इसका शेप जो होता है एक ट्राइंगल की तरह होता है, जो कि नॉर्थ पर और साउथ, जो कि बहुत ब्रॉड है नॉर्थ में और नैरो है साउथ में, यानी नॉर्थ की साइड में बहुत ज़्यादा है और साउथ में थोड़ा कम है. इसकी जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर है नॉर्थ से लेकर साउथ तक. इसकी जो ब्रेथ है वो 1400 किलोमीटर है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक टिल्टेड होता है. जो लैंड होती है, यहाँ की ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा रॉकी और अनइवन होती है, यानी बहुत ज़्यादा पत्थर वाली ज़मीन होती है. वे पत्थर जगह जगह पाए जाते हैं. अनुमति पीक जो कि एक एलिफेंट की फॉरहेड की तरह दिखती है, एलिफेंट के माथे की तरह दिखती है, वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो कि केरला में लोकेट है, केरला में है, ठीक है. जो प्लेचू रीजन है बहुत सारे रिवर्स हैं, इसके बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हैं, ठीक. अब जो ग्रेट इंडियन प्लेचू को डिवाइड इसका डिवीजन हुआ है, ठीक. तो इस प्लेचू का जो प्लेचू रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेचू में. तो पहले हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे. जो मालवा प्लेचू है कुछ इसके ट्रिब्यूटीज हैं जो कि इरीगेट करती हैं सेंट्रल हाईलैंड को. तो जो मालवा प्लेचू है वो लावा से बना हुआ है और ये राजस्थान से निकलता हुआ मध्य प्रदेश और जो गुजरात वेस्ट में वहाँ तक पहुँचता है. इसमें जो रिवर्स हैं वो चांबल और माही वो इस रीजन के थ्रू फ्लो करती हैं, बहती हैं. ये प्लेचू जो है यहाँ की ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर कॉटन कल्टिवेशन अच्छे से हो जाता है, ठीक है. कॉटन यानी कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल प्लेचू ज़रूरी है. जो छोटा नागपुर प्लेचू है, अब सेकंड पॉइंट है छोटा नागपुर प्लेचू जो ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ये जो रीजन है इसमें झारखंड है, ठीक है, ओडिशा झारखंड का स्टेट है, इसमें ओडिशा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है. ये प्लेचू जो है इसके थिक फॉरेस्ट हैं और बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स हैं. जो चीफ मिनरल ओर्स हैं वो इस रीजन में पाए जाते हैं, जैसे मीका, कोल, मैंगनीज, आयरन ओर, ठीक है. अब आ जाए छत्तीसगढ़ प्लेचू. छत्तीसगढ़ प्लेचू जो है वो साउथ में है छोटा नागपुर प्लेचू के. रिवर महानदी यहाँ पर बहती है इस रीजन के थ्रू और ये रीजन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ है आपका द बस्तर हिल्स. जो बस्तर हिल्स हैं वो साउथ में है छत्तीसगढ़ प्लेचू के. यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट नहीं, बहुत गहरे जंगल हैं जो, ठीक है, इन इस रीजन को कवर करते हैं. यहाँ पर जो पेड़ है साल, टीक और बैम्बू यहाँ पर ग्रो करते हैं ये ट्रीज, ठीक. अब हमारा आता है डेक्कन प्लेचू. डेक्कन प्लेचू क्या है? डेक्कन प्लेचू जो है साउदर्न प्लेचू, एक बहुत बड़ा प्लेचू है जिसका नाम डेक्कन जो है वो लिया गया है संस्कृत वक्त दक्षिण से, जिसका मतलब है साउथ. ये बहुत साउथ इंडिया को कवर करता है. इट हैज़ द विंध्यास एंड द सतपुरा माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ. इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं. इसकी साइड्स पर बहुत सारी रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ पर बहती हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. और ये फॉल इनटू द और कहाँ पर गिरती हैं, बहती हैं और बहते बहते बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक. जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये जो रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती बहते हुए, इसे वेस्टवर्ड में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में गिर जाती हैं, जाकर बहती हैं, ठीक. नाउस्ट्रेन, अब यहाँ की लाइफ कैसी होती है यहाँ के लोगों की? जो झारखंड के लोग हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, छोटा नागपुर प्लेचू में आते हैं, ठीक है, लोकेटेड है. अभी जो जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इसे मालवा प्लेचू रीजन के नाम से भी जानते हैं. मालवा प्लेचू रीजन में लोकेट है. जो स्टेट्स हैं यहाँ के राज्य हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा के जो पास हैं वो डेक्कन प्लेचू में लोकेट हैं, ठीक. तो इनके बारे में कुछ जानने से पहले आता है झारखंड. झारखंड का मतलब है लैंड ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों की ज़मीन, ठीक. झारखंड जो है सबसे पहले बिहार था, अभी इसका एक अलग स्टेट बन गया, एक अलग राज्य बन गया है 2000 में, यानी 2000 में झारखंड और बिहार को अलग अलग कर दिया गया है. झारखंड की कैपिटल रांची है. इस स्टेट में बहुत सारे मिनरल वेल्थ और फॉरेस्ट, बहुत सारे मिनरल्स और जंगल हैं. ये जो बहुत यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो है कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कॉपर ओर, बॉक्साइट एक्सेट्रा. बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेट हैं. कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं बोकारो स्टील प्लांट, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी एक्सेट्रा, जमशेदपुर, सिंदरी, बोकारो स्टील सिटी, धानबाद एंड हजारीबाग और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, ठीक है स्टूडेंट. अब इनमें कुछ जैसे इनकी जो ट्रेडिशनल संथाल यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं. राइस इज़ द स्टेपल फूड. यहाँ पर राइस खाया जाता है. यहाँ पर दुर्गा पूजा ज़्यादा सेलिब्रेट होती है. छठ, दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा इनके फेस्टिवल्स हैं, ठीक है. ज़्यादातर ढुसका सत्तू यहाँ पर खाया जाता है. अब है उड़ीसा. उड़ीसा जो है छोटा नागपुर प्लेचू में आता है, ठीक है. वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स उड़ीसा का छोटा नागपुर प्लेचू करता है. उड़ीसा जो है वो लोकेट है बे ऑफ बंगाल के पास, जिसे हम भुवनेश्वर भी कहते हैं. लोग यहाँ के ओडिया बोलते हैं. छिलका लेक जो है इसकी लार्ज सबसे बड़ी लेक है एशिया में, ठीक है. हीराकुद दाम महानदी में नियर संबलपुर इज द ओल्डेस्ट अर्दन डैम
डैम है, अदन डैम में, ठीक है। इसके पूरे वर्ल्ड में जगन्नाथ टेम्पल जो है पूरी में सन टेबल कोणार्क में, ये कुछ टेम्पल्स के नाम है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो सेंट्रल इंडिया में है बिल्कुल। इसका जो स्टेट है ये बिल्कुल पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अभी 2000 में ये भी झारखंड और बिहार की तरह अलग हो गया मध्य प्रदेश से। रायपुर जो है इसका कैपिटल है, महानदी इसकी मेन रिवर है। यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ जो है कोसा सिल्क के लिए जाना जाता है। राउत नाउचा यहाँ का फोक डांस है। अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसका कैपिटल भोपाल है। इंदौर जो है इसका लार्जेस्ट सिटी है इस स्टेट की, ठीक है। जबलपुर और ग्वालियर जो है कुछ इंपॉर्टेंट अदर सिटीज है। मध्य प्रदेश जो है नेशनल पार्क, जैसे यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कुछ पार्क है यहाँ पे वीट राइसेस, गेहूँ, चावल, सोयाबीन, पल्सेस, कॉटन, मस्टर्ड, ये सब यहाँ के मेन क्रॉप जो यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं मेन वो हैं होली, दिवाली, ईद, दशहरा, रामनवमी यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं। अब हमारा आता है कर्नाटका। कर्नाटका जो है साउथ, कर्नाटका साउथ वेस्ट इंडिया में स्टूडेंट, बेंगलुरु की कैपिटल सिटी है। कर्नाटका की जो दूसरी सिटी है मैसूर, बलगाम, मैंगलोर, ठीक है, ये इनके अलग सिटीज़ हैं। जो दो मेन रिवर्स हैं स्टेट के, वह कृष्णा और कावेरी। जॉक फॉल जो है सबसे बड़ा हायर वाटरफॉल है यहाँ पे, बुछड़ना है। और वृंदावन गार्डन जो है यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है मैसूर में, यानी लोग अगर घूमने जाते हैं तो मेनली यहाँ पर जाते हैं। अब गोल गुंबद जो है बीजापुर में मैसूर पैलेस में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है जिसका मेन ऑक्यूपेशन है फार्मर जो है, यहाँ पर रागी, चावल, कॉटन, शुगर केन, ये सब उगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमारा आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो एक ऐसा स्टेट है जो कि हमारे साउथ ईस्ट इंडिया में है। कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश की वो हैदराबाद है। जो यहाँ पर बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पर बड़े शहर हैं इस स्टेट में, वो है तिरुपति और कुर्नूल। एग्रीकल्चर और फिशिंग यानी यहाँ पर खेतीबाड़ी और फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ना यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। आंध्र प्रदेश जो है राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइस, शुगर केन, कॉटन, तंबाकू यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। जो स्टेट है बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं यहाँ पर, लाइमस्टोन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल। ओके स्टूडेंट, नाउ स्विच टू तेलंगाना। तेलंगाना स्टूडेंट, हैदराबाद जो है कैपिटल है तेलंगाना का। ये बहुत सारे रिवर्स हैं यहाँ के, गोदावरी, कृष्णा, पीपल यहाँ के तेलुगु और उर्दू बोलते हैं। यहाँ सालारजंग म्यूजियम, चारमीनार, ये सब यहाँ के पैलेस और गोंदा फोर्ट हैदराबाद, यहाँ के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है स्टूडेंट सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद। जो अरेबियन सी है वेस्ट में महाराष्ट्र के, रिवर गोदावरी और कृष्णा इस फ्लो में, इस स्टेट में फ्लो बहती हैं। महाराष्ट्र जो है रिचेस्ट स्टेट है इंडिया में, ठीक है। मुंबई जो है कैपिटल ऑफ स्टेट है इंडिया, जो है इसका लार्जेस्ट सिटी है इन इंडिया। लार्जेस्ट सिटी जो है आपकी कमर्शियल कैपिटल है नेशन का, नागपुर, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, थाने, कोल्हापुर, सोलापुर आदि जिसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन जो है महाराष्ट्र, लाभना, खंडाला, पंचगनी एक सेक्टर, पुणे इसकी नेशनल डिफेंस अकेडमी है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यहाँ के दो मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पर ज़्यादातर चावल, जावरा, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट, कोकोनट, कॉटेज, शुगर केन, टर्मिक, ये सब क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, ठीक। इसका कैपिटल चेन्नई है। वेल्लोर, कोयम्बटूर एंड मदुरई कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, कुछ शहर हैं यहाँ के मेन पॉपुलर। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, वो हैं उदगामंडलम, ओटी एंड कोडिकनाल। मरीन ब्रिज, मरीना ब्रिज चेन्नई में जो है बहुत बड़ी बीच है पूरे वर्ल्ड की। जो मेन नेशनल पार्क है वो है मंदुमलाई नेशनल पार्क। कन्याकुमारी जो है साउदर्न टिप है इंडिया की। क्लाइमेट जो है यहाँ का बहुत ह्यूमिड होता है। यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं राइस, फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड बनाना, रबर, कोकोनट, ग्राउंड एंड कॉफ़ी। राइस जो है यहाँ का स्टेपल फूड है। साबर रसम, डोसा, इडली यहाँ के खाने वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज़्यादातर खाई जाती हैं। तमिलनाडु पोंगल जो है यहाँ की 4 डे हास्टिव फेस्टिवल, यानी 4 दिन पोंगल मनाया जाता है। तमिल जो है मेन लैंग्वेज स्टेट ही। तमिलनाडु के बहुत सारे मैन्यूमेंट्स और लिश लिटरेचर हैं, म्यूजिक और डांस है। तो बृहदाश्वरा टेम्पल है थांजावुर में, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। ओके सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। आई विल सेंड द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज यू नीड एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली, अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू कैन कॉल मी, ओके, एंड क्लियर योर डाउट्स और क्वेरीज। थैंक यू।